नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए करेगी नीति तैयार। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किए पुरस्कार प्रदान। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर शिमला से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार कर्ज पर निर्भरता को कम करेगी। मुख्यमंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए एक वर्ष के भीतर नीति तैयार करेगी। सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब मैं आज आपको संबोधित कर रहा हूं तो मुझे इस बात की खुशी और मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस दिशा में हमने बजट प्रस्तुत किया है, हम उस दिशा में अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति हमारा अभियान पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये तो केवल एक बिंदु है, पर्यावरण के संदर्भ में कई ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम सोचते नहीं हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ता है तो समाज का कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रह जा सकता। इसीलिए बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि हमारा प्रयास होगा कि आने वाले 3 साल में हमने अपने लिए टाइमलाइन फिक्स की और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट विकसित करेंगे। क्या ये शब्दों में होना चाहिए, क्या ये लिखकर होना चाहिए, इसके प्रति हमें भावना प्रकट करनी पड़ेगी या भावना से होना चाहिए। तो हमारी भावना इस ओर इंगित करती है कि हमें करना क्या है और हमने उस दिशा में करना शुरू कर दिया। जब हमने कहा, टारगेट निश्चित किया, तो हमने इस बार के बजट में पहली बार ये कहा कि हम रिन्यूअल एनर्जी की तरफ जाएंगे। हम ऊर्जा के क्षेत्र में थर्मल पावर का छोड़कर हम हाइड्रो, सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में बढ़ेंगे। अब इनमें कैसे बढ़ा जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने कहा कि 3 साल में जितने भी कमर्शियल गाड़ी होगी, हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ी होगी, उनको हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट करेंगे। और पहला डिपार्टमेंट उसका हिंदुस्तान का हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना जिसने पूरे इलेक्ट्रिकल में हम चले गए। अभी पिछले दिनों मैंने धर्मशाला और शिमला में 75 इलेक्ट्रिकल बसेस का इनॉग्रेट किया। आने वाले में पूरी HRTC जो हमारी सरकारी ट्रांसपोर्ट है, सरकारी ऑफिस की गाड़ियां हैं, उन सब को हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये पहला बिंदु हमारा ग्रीन राज्य के बनने की दिशा में कदम है। हमने फैसला किया कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट यहां हमें इकट्ठा होगा, हम प्रयोग के तौर पर जितना प्लास्टिक है पहले 1 किलोमीटर सड़क बनाएंगे ताकि उसका हमारे सड़क में भी सदुपयोग हो सके। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृति और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने में लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मौसम में हो रहे परिवर्तनों और देश में बढ़ते जल संकट के कारण कई राज्य हिमाचल से अधिक पानी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 9 महिला स्वयं सहायता समूहों को डोना पत्तल मशीनें वितरित की और 20 एकल नारियों को सोलर लाइटें प्रदान की। उन्होंने मिशन लाइफ का बैच और पोस्टर भी जारी किया। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री को रिसाइकल प्लास्टिक से बनी जैकेट भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और अन्य संगठनों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित समारोह में पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रूपए तथा द्वितीय पुरस्कार के रूप में 25,000 रूपए की राशि प्रदान की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारा लेखन, चित्रकला तथा निबंध लेखन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर शिमला से पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, संजौली और शिमला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। साइकिल सवार भी रैली का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहार के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। इस मौके पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठा रही है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई प्रभावी फैसले कर रही है। हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट थी जब सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो हमारे बच्चे हैं उनको शपथ दिला रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, बच्चों के मन में ये डालना है कि हिमाचल प्रदेश और विश्व को जो पृथ्वी मिली है इसको कैसे साफ रखना है और जिससे हमारी जो पृथ्वी है इसको कहाँ नुकसान होता है उससे कैसे बचना है, इस दृष्टिकोण से इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा तो बजट का जो इस बार पहला बजट है उसमें ग्रीन स्टेट का लक्ष्य रखा गया है और आज जो प्लास्टिक वेस्ट का है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशंस को वेस्ट करना है, उसके लिए हमारी सरकार पहले से ही इस कार्य को कर रही है और शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला में और अन्य जगह में हमारे सभी विभाग इस दृष्टिकोण से इसको कम करने की, जहाँ भी कुछ दूध की थैलियों के माध्यम से आ रहा है हमारी सरकार उस पर भी सोच विचार कर रही है कि आने वाले समय में हमें कैसे दूध की थैलियों से छुटकारा दिलाकर आगे बढ़ना है। फाइन बढ़ाना ही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना लक्ष्य होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना का ध्येय ही हमारा दायित्व होता है। फाइन तो एक टाइम समय के लिए आदमी दे देता है लेकिन उसके स्वभाव में कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना उसके स्वभाव में लाना पड़ेगा और हम कई दृष्टिकोण से इसमें पहले भी कार्य कर रहे हैं। आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है, हम तो पहले से ही इस कार्य में अधिक रुचि रखते हैं और हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी देवभूमि है और पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो, हमें आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति गंभीर है। वर्तमान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सहायता के नए प्रस्तावों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह प्रतिबंध 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों के लिए लागू रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश भारत सरकार से मात्र 2,944 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्णय से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सीमा से 1,779 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से उधार लेने की सीमा को गत वर्ष की तुलना में लगभग 5,500 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक प्रदेश सरकार को 4,259 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति मिली है। साथ ही प्रदेश को लगभग 8,500 करोड़ रुपए के लिए अतिरिक्त अनुमति प्राप्त होने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार संसाधन जुटाने पर विशेष बल दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सायं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के अध्यक्ष एवं जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह, हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।